नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। 11-11 की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, यानी कि 11-11 का हैशटैग भी चलाया जा रहा है। इसके पीछे कौन सी बात है और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे। सो भैया, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। सबसे अगर हम पहले बात करें शिबा इनू कॉइन के 11-11 वाले मैटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्सी जेस्टियो जिन्होंने जो है वो शिबा इनू कॉइन की डेवलपर टीम को लीड किया है और यहाँ पर जो है वो मेटावर्स प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इनको हायर कर दिया गया था। इनकी तरफ से यहां पे भैया एक ट्वीट आया जिसके अंदर बताया गया 11-11 सो क्रेजी सतोशी कुसामा, दैट्स द नंबर दैट ऑलवेज सीम्स टू कम अप, आल्सो आई जस्ट वांटेड टू गिव ए शॉट आउट टू शिब आर्मी। अब यहां पे जो है वो शिब आर्मी के लिए 11-11 काफी ज्यादा जो है वो क्रेजी होने वाला है। अब हो सकता है कि ये कोई यहां पे डेट की अनाउंसमेंट हो या फिर जो है वो शिबा इनू कॉइन की एक बार फिर से एक मेजर जो है वो रिलीजिंग के बारे में हिंट दी गई है, जिसको यहां पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो भैया वेट भी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि भैया 11-11 का मकसद क्या है। लेकिन यहाँ पे शिब आर्मी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीज भी किया जा रहा है डेवलपर टीम की तरफ से। सो भैया, हम भी यहाँ पे वेट करेंगे कि शिबा इनू कॉइन की कौन सी बड़ी जो है वो मेजर अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। उसी के साथ अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की रिसेंट बर्निंग के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया 52 बिलियन टोकन यहाँ पर जो है वो बर्निंग पोर्टल के ऊपर बर्न हो चुके हैं और कंटिन्यू जो है वो शिबा इनू कॉइन को बिलियंस ऑफ क्वांटिटी के अंदर बर्न किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे शिबा इनू कॉइन की शिबिरम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी, तो यहाँ पे ये जो बर्निंग का मैकेनिज्म है इसके अंदर भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ पे 1% ट्रांसफर फीस के अंदर भी शिबा इनू कॉइन का बर्निंग पोर्टल जो है वो मजीद जो है वो सक्सेसफुल बनता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ यहाँ पे न्यूज हेडलाइंस के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि भैया डोज कॉइन के 39% यहाँ पे जो फॉलोअर्स है वो यहाँ पे भैया जो है वो फेक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहीं जो है वो सेम टाइम शिबा इनू कॉइन के भी फॉलोअर्स जो है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पे जो है वो जीरो फेक फॉलोअर्स के जहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट आई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोज कॉइन के 39% जो है वो फॉलोअर्स तकरीबन जो है वो यहाँ पे फेक साबित हुए हैं यहाँ पे ट्विटर के सर्वे के दौरान। उसी के साथ अगर हम बात करें बेबी डोज कॉइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया बेबी डोज कॉइन की न्यू लिस्टिंग हमें जो है वो देखने को मिल रही है डोडेक्स एक्सचेंज की तरफ से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेबी डोज कॉइन को यहाँ पे डोडेक्स एक्सचेंज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे भैया ये भी न्यूज़ आ रही है कि टॉप ट्रेडिंग कॉइन्स के अंदर इंडोनेशिया के अंदर 5 जून को काफ़ी ज़्यादा शिबा इनू कॉइन ट्रेंड हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेबी डोज कॉइन, ऑप्टिमस, सोलाना और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं इंडोनेशिया के अंदर। उसी के साथ ये भी एक न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर करता चलूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया बाइनेंस के सीईओ ने इस चीज़ को यहाँ पे रिवील्स किया है कि 1.6 बिलियन जो है वो इनका लॉस हुआ है टेरा की इन्वेस्टमेंट के साथ और यहाँ पे जो है वो इनकी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने ट्रस्ट को लूज कर चुकी है और यहाँ पर इनके द्वारा स्टेटमेंट आ चुकी है कि भैया जो है वो टेरा लूना का जो है वो कोलैप्स हुआ था, उसके अंदर जो है वो काफ़ी मकदार के अंदर लोगों का लॉस भी हुआ था, लेकिन उनको जो एयर ड्रॉप्स दिया गया है उनकी क्वान्टिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग साबित हुई है और लोग जो है वो एयर ड्रॉप को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हैं और यहाँ पे जो है वो एयर ड्रॉप जो है वो प्रॉपर तरीके से मुयसर नहीं हुआ है। सो भैया डेफिनेटली जो है वो लूना के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों का लॉस तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनका जो स्ट्रेटेजी था लोगों को एयर ड्रॉप देने का वो यहाँ पे भैया फेल साबित हुआ है और यहाँ पे बाइनेंस जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सो भैया उम्मीद करता हूँ कि शिबा इनू कॉइन की हमें जो है वो बहुत जल्द रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है वो इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे 11-11 वाली जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही है और यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी है और यहाँ पे अगर कोई मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिलती है तो यहाँ पे हो सकता है कि शिबा इनू कॉइन एक बार फिर से एक नया बाउंस बैक कर सकता है और यहाँ पे ब्लॉकचेन आने के बाद डेफिनेटली शिबा इनू कॉइन के अंदर एक नया जो है वो हमें माइलस्टोन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ अपडेट्स काफ़ी हद तक पसंद होगी। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ शिबा इनू कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप जो है वो दीगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।